मेनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद। शमशान की जमीन पर दबंगों ने दीवार बनाकर किया कब्जा। पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही, उल्टा पीड़ित परिवार को धमकाकर गंभीर धाराओं में जेल भेजने की दी धमकी। पुलिस और दबंगों के भय से भयभीत हैं पीड़ित, अधिकारियों के यहां लगा रहे चक्कर। पीड़ित परिवार को नहीं मिला न्याय तो भूख हड़ताल पर बैठने को होगा मजबूर। पीड़ित परिवार ने कई बार थाने में दी तहरीर, पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। नाम है तुम्हारा? शिवम कुमार सर। शिवम, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये सर, वहाँ उम्र घटियाई थी, 50 साल पुरानी थी। रतनलाल प्रधान जी जगह रातों रात बिल्डोजर चलवा के उन्होंने कब्जा कर रखा है, और रातों रात दीवार चढ़ाए। हम लोग थाने में जाते साहब, सबरे वजह मेरी साहब कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, और जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। रतनलाल प्रधान हैं और उनके गाँव के भी हैं कुछ लोग, वे काफ़ी दबंगी लोग हैं। हम लोग साहब गरीब आदमी है, कूटी फाटी झोपड़ी, अगर हमारी कोई साफ सुनवाई नहीं हुई तो मैं भूखी हड़ताल पर। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। सुनील, क्या पूरा मामला है? जी सर, ये हमारी मुद्दा 50 साल पुराना है सर, इस पे बिल्डोजर राती रात चलवा के इस पे दबंगों ने कब्जा कर लिया है सर, और हम भी जब भी थाने जाते हैं हमको गंथंत गालियाँ दे के भगा देते हैं। ये कहते हैं कि चालान काट देंगे आपका, अगर हमारा सही न्याय नहीं हुआ तो मैं हूँ कद्दाने में बैठने के लिए। सभी परिवारजनी अपने के लिए। कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपके उस पर कब्जा किया है? रतनलाल प्रधान जी हैं, मुन्ना जी मुन्ना है साइकिल वाले, और उनके बच्चे भी हैं, और सारे लोग हैं उनको।